हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अर्जुन यादव, एम बी बी एस थर्ड ईयर स्टूडेंट एम्स पटना। आई होप यू ऑल आर गुड। सो इन दिस वीडियो आई एम इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टर रिया तागी मैम, जिनका कि INICET 2022 में 202 ऑल इंडिया रैंक है, एंड डॉक्टर मुकुल पांडा मैम, जिनका कि INICET 2022 में 278 ऑल इंडिया रैंक है। बोथ आर फ्रॉम MBBS 2016 बैच ऑफ एम्स पटना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आप दोनों को, एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, आई एम डॉक्टर रिया त्यागी एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ फरीदाबाद हरियाणा। आई डिड माय MBBS फ्रॉम एम्स पटना एंड आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 202 इन दिस ईयर्स नवंबर INICET। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर मुकुल पांडा and I am from MBBS 2016 batch and I'm here to tell you my success story and how I achieved a rank of 278 in this year's November INICET 2022 with just 6 months of preparation. तो इतना अच्छा रैंक स्कोर करके आपको कैसा फील हो रहा है, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स? Of course, my parents were like really happy when they saw my results. But more than that, like they were relieved that I don't have to study like a mad person anymore. And they just wanted to see me happy. So even when I got a rank previously, like I had given the May INICET and NEET PG, and I had still gotten a rank. Like in NEET PG, I got a respectable rank. I did not get a great rank. I got 1900. Now May INICET, I got a rank of 2200 as well. And I was getting a seat in my own college. I was getting a branch I liked, but still, like I wanted to, you know, give myself 6 more months of preparation because I thought I did not give my best. And my parents like respected my decision and they were like, "Theek hai, you are taking a big decision, you are getting a seat, you are dropping, and still you want to give 6 months and you want to do this hard work for yourself and you want to prove yourself, then go for it." So obviously, if I was relieved, they were happy for me. मेरी रैंक जैसे आई तो मुझे काफी खुशी हुई ये रैंक लाके। मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश हैं, एंड जितने मेरे वेल विशर्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे जो नेबर्स हो, वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि हाँ इतनी मेहनत करी तो रैंक अच्छा आया। हाउ वाज योर MBBS जर्नी? MBBS जर्नी मैं ये बोलना चाहूंगी कि सिंस क्लास 9th आई गॉट स्कॉलरशिप, सो यस आई वाज अ प्रीटी गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग माय स्कूल लाइफ। एंड उसके बाद जब यूजी एग्जाम्स देने का टाइम आया तो नीट यूजी में आई गॉट अ रैंक ऑफ 1045 एंड हरियाणा स्टेट रैंक ऑफ 32 एंड एम्स यूजी में आई गॉट अ रैंक ऑफ 745, जिसके बेसिस पे आई गॉट एम्स पटना। इट इज अ वेरी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट एंड मैंने इस इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सीखा है। जो मेरे 5 साल थे इस इंस्टीट्यूट में, आई हैव नॉट बीन अ टॉपर, बट यस आई वुड लाइक टू से कि मैंने हर साल अपना स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो हर बार जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है हर ईयर का, हमेशा मेरा प्रीवियस वाले से बेटर जाता था। तो दैट इज समथिंग आई गॉट अ लर्निंग कि यस वन शुड इम्प्रूव विद टाइम। एंड इस जर्नी में मेरे जितने टीचर्स रहे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, चाहे मेरे कॉलेज के टीचर्स हो या जो मैंने कोचिंग जैसे डैम्स में जाती थी, वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस टाइम में। आई वुड से कि मैं कॉलेज में बहुत अर्ली ऑन आ गई थी, 17 ईयर्स की थी मैं व्हेन आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट, एंड उस टाइम पे आई गेस आई वॉज लैकिंग बिहाइंड इन सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, जो कि मुझे एम्स पटना में काफी सारे मिले हैं। And it has been like a mixture of experiences. There have been some good times, there have been some not so good times. And I would say that all of us should take a learning from those times which were not so good. And you know, वही चीजें हमें ज्यादा motivate करती हैं आगे जाने के लिए, you know, to do something good with our lives, you know, to not let it waste away in such a good institute. And so that is about my MBBS life. MBBS का तो मत ही पूछो, बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी एनी थिंग इन माई MBBS प्रॉपरली, लाइक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़े, एंड इनफैक्ट मैंने तो नोट्स भी नहीं बनाए थे अपने। बेसिकली इट वॉज लाइक कि मैंने सोचा था जब MBBS आए कि मैं कुछ दिन नहीं पढ़ने वाली हूँ, बट कुछ दिन कुछ महीनों में बदल गए और कुछ महीने कुछ साल में बदल गए, एंड अल्टीमेटली आई रियलाइज व्हेन आई रीच माई इंटर्नशिप। एंड इनफैक्ट मेरा तो हालत इतना खराब था कि आई फेल्ड इन टू सब्जेक्ट्स इन माई फाइनल प्रॉफ, एंड फर्स्ट ईयर से तो फेल कर ही रही थी, बट फाइनल प्रॉफ अफेक्टेड मी बिकॉज आई हैड टू लाइक कंप्लीट माई इंटर्नशिप विथ माई जूनियर्स, सो माई इंटर्नशिप गॉट डिलेड, आई गॉट माई डिग्री अ बिट लेट। इतना ही मैं बोल सकती हूँ अपने MBBS के बारे में। अच्छा, आप दोनों में से टॉपर कौन था कॉलेज टाइम में? टॉपर लाइक ठीक है, लाइक अब बोलने की जरूरत नहीं है, वही टॉपर। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम? पीजी प्रिपरेशन आई वुड लाइक टू से कि मैंने MBBS में रहते हुए कभी पीजी की प्रिपरेशन आज सच नहीं की है। मैंने बस अपने नोट्स बनाए हैं, मैंने डैम्स का फाउंडेशन कोर्स लिया था जो पटना में लाइव क्लासेस होती थी, तो उनमें रह के मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए थे। उसके बाद कोविड टाइम्स में डैम्स का क्लास जो है वो ऑनलाइन होता था, वी यूज्ड टू टेक ऑनलाइन लाइव क्लासेस, तो वहां पे मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं उस कोविड वाले ईयर में 2020 में। उसके बाद आई वुड से कि जो लास्ट ईयर का नवम्बर INICET है उसमें आई गॉट अ रैंक ऑफ 12,000 एंड प्रिपरेशन नहीं थी।
उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि घर आके आई विल बी स्टडिंग, बट उतनी पढ़ाई मेरी हो नहीं पाई एंड रादर मेरी रैंक जो है खराब हो गई. तो जो मे आई नाई सेट है 2022 का उसमें मेरी रैंक थी 13,000 एंड मे में नीट में मेरी रैंक थी 19,000. ये सब मुझे पता है रैंक्स मेरे बिना पढ़ने की वजह से थी. सो बट आई हैड अ फेथ ऑन माई सेल्फ कि जब मैं पढ़ूंगी सो आई विल गेट गुड रैंक्स. तो इसलिए जून से आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन थरली एंड मैंने डांस का TND लिया था टू हेल्प मी कम्प्लीट सिलेबस ऑन टाइम, बिकॉज कोई भी TND कोर्स आपको टारगेट्स देता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को हमें एक वीक में या डेढ़ वीक में कम्प्लीट करना है एंड उसके बाद उनका टेस्ट होता है. तो येस वो TND कोर्स बहुत हेल्पफुल है और डांस के नोट्स बहुत हेल्पफुल है. बाकी क्योंकि मेरे पास डांस का फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एडिशनल सोर्सेज भी यूज किए हैं. जैसे मैंने डॉक्टर गोविंद राय गर्ग का फार्मा यूज किया है ऐप देखने के लिए एंड डॉक्टर दीपक मारवा सर का मेडिसिन आई हैव यूज एंड क्यू बैंक आई हैव सॉल्व फ्रॉम मैरो. सो इस फेज में आई वुड से कि मैंने कोई ब्रेक्स नहीं लिए खास प्रिपरेशन टाइम में. इनिशियली आई यूज टू थिंक कि मैं 6 दिन पढ़ूंगी एंड ऑन संडे आई टेक अ ब्रेक, बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि नो आई डिजर्व अ गुड रैंक रादर देन टेकिंग अ ब्रेक. तो मैंने कोई ब्रेक लिया ही नहीं है एंड आई यूज टू स्टडी थ्रू आउट सुबह 8:30 बजे उठ के एंड रात को 11 बजे तक आई यूज टू स्टडी एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग आई यूज टू बी लाइक वेरी पम्प्ड अप कि हाँ आज कुछ अच्छा पढ़ेंगे बिकॉज यू नो आई वॉज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. मुझे हमेशा से आई हैव लाइक बीन अ गुड स्टूडेंट तो मुझे इतना पता है कि हाँ यार जब अगर मैं अपना इफ आई गिव अ फुल 100% टू दिस प्रिपरेशन मेरा रैंक अच्छा आएगा. तो इस वजह से मतलब नेवर हैव आई सीन एनी इंस्पिरेशन वीडियोज या कभी मुझे इस फेज में डिप्रेस नहीं फील हुआ है. मुझे हमेशा हर सुबह उठ के लगता था कि नहीं यार आज कुछ अच्छा करेंगे अच्छा पढ़ेंगे. तो यस मे बी मैं हमेशा चीयरफुल रहती थी इस जर्नी में. सो मे बी दैट इज व्हाट हैज हेल्प मी सिक्योर गुड रैंक दिस टाइम. आई लाइक स्टार्टेड माय जर्नी अराउंड लाइक नवंबर एंड दिसंबर 2021 ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप एंड इट वाज लाइक आई वाज जस्ट रैंडमली गोइंग थ्रू द टॉपिक्स. बट इन जनवरी एंड फेब्रुवरी आई हैड रियली हेक्टिक पोस्टिंग्स बिकॉज ऑफ व्हिच आई कुड नॉट स्टडी एंड आई केम बैक टू होम इन मार्च. सो आफ्टर दैट आई हैड लाइक लिटरली 2 months लेफ्ट फॉर माय नेक्स्ट एग्जाम. सो आई डिसाइडेड दैट इफ आई गो फॉर माय फर्स्ट रीडिंग आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट इन 2 months. सो आई डिसाइडेड टू actually complete my entire marrow question bank which I had not completed before. So I decided to solve all the 18,000 MCQs in 2 months and just go and give the exam. And on only by solving the Q bank I could get a rank of 2000 in IINICT and 1900 in NEET. So that was a very big confidence booster for me. So like that pushed me okay I am still in the race, I can still score a good rank even if I want in the next 6 months. So immediately after the exam ended I did not wait for the results. I knew that I had to prepare again because there were topics I knew and I just needed to brush it up and study properly in the next 6 months. I decided to start my preparation and for IINICT it is like that you need to know in depth about certain topics and for that the gold standard is previous year. So for previous year I found out all the previous year from 2011 and I started doing all my previous years. But I also did some blunders. Like initially I was not solving previous years. Initially I did my notes 4 to 5 times. So that much amount of actually study is not required to actually crack this exam. But theek hai, it's okay. Like previous years are the gold standard. So you need to go through the previous years and then you can go retrogradely and go through those topics from whatever source you're following actually. Just before the exam, you plan your schedule in such a way that the first and second year subjects, they fall in the end of your preparation also, so that you can retain better and you can solve those questions better because 60 to 70%, 50 to 60% तो guaranteed is coming from first and second year. अच्छा ये बताइए कि आप preparation time में time को कैसे manage करती थी? Time management important है because there are certain subjects you need to study more and there are certain subjects you need to study less. So I met my best friend through a random dating app and coincidentally we were preparing for the same thing. So we decided to study together and हमने अपना schedule ऐसे fix किया था कि like हमने सोचा था कि शुरू में हम first and second year subjects पढ़ेंगे, बीच में हम बाकी के subjects पढ़ेंगे and last में हम फिर से first and second year subjects पढ़ेंगे and फिर हम exam देने जाएंगे. तो आपकी कौन सी dream branch है और आप कौन सा college choose करने वाले हो? So I would like to say कि MBBS time से ही surgical branches की तरफ I have been more inclined. एंड इंटर्नशिप में वो जो मेरा इंटरेस्ट है उसे बहुत अच्छे से नर्चरिंग मिली है एम्स पटना में. सो मैं आई विल ऑलवेज गो फॉर चूजिंग सर्जिकल ब्रांचेस एंड जो एक्चुअल इसका रिजल्ट है वो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा. व्हाट मोटिवेटेड यू एंड व्हाट डू यू वांट टू थैंक्स? तो आई वुड से कि एक ही चीज मुझे मोटिवेट करके रखती थी वो ये है कि मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना था. आई हैड टू मेक माई सेल्फ प्राउड, आई हैड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड दैट इज वॉट मोटिवेटेड मी टू डू समथिंग गुड. जहां तक बात रही कि मैं किन्हें थैंक्स बोलना चाहूंगी तो सबसे पहले फॉरमोस्ट मेरे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने
इस बीच जो सैक्रिफाइसेस किए हैं या जो भी किया है वो एकदम अनमैच्ड है. इट इज लाइक अनराइवल्ड, बहुत ज्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सेकेंडली आई वुड थैंक अ कंपेनियन ऑफ माइन जिन्होंने इस फेस में मुझे हर टाइप का पॉजिटिव सपोर्ट दिया है. मतलब आई हैव बीन प्रीटी हैप्पी ड्यूरिंग दिस फेस एंड उन्हें भी इस बात का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, सो थैंक्स टू देम. एंड ऑल्सो उन लोगों को थैंक्स मैं कहूंगी जिन्होंने हमेशा मेरे लिए प्रे की है, जिन्होंने ये सोचा है कि हाँ शी इज स्टडिंग हार्ड एंड इसे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तो उन लोगों को भी आई वुड लाइक टू से थैंक्स. नीडलेस टू से आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स ऑफकोर्स लाइक फॉर द इमेंस सपोर्ट दे हैव गिवन मी. लाइक विदाउट देम आई वुड नेवर बी एबल टू अचीव वॉट आई अचीव टूडे. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक माई स्टडी पार्टनर बिकॉज लाइक हिज प्रेजेंस वॉज लाइक how can I even express it in words, because he supported me mentally so much and because of him I was able to push myself every day to get up and sit on my study table. My study partner Dr. Shubham Panda, I want to name him also because I think he completely deserves this. वैसे आप लोग का सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या था? मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन मेरा मैरो था. वुड यू सजेस्ट समथिंग फॉर योर जूनियर्स, हाउ कैन दे प्रिपेयर? हम लोग जो आते हैं MBBS में तो मोस्टली बच्चों का ये पहला एक्सपीरियंस होता है घर से अलग रहने का, एक एज एन अकेले लाइफ लीड करने का. तो वहां के कभी कभी हम फॉल्टर कर जाते हैं, हमें लगता है कि हम कैसे रहेंगे. मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक सैडनेस आ जाती है कि यार अजीब सा लग रहा है वट एवर. सो आई वुड से कि इस सिचुएशन में जो आपके आसपास हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जो आपके बैचमेट्स होंगे मे बी, आई वुड से कि आप उनसे बात करें, सब करें, बट डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन एनी वन बिकॉज द रीजन बींग यू ऑल आर इन द सेम बोट. ठीक है ना, आप सब ऐसे ही आए हैं एंड सबकी सेम सिचुएशन है. तो रैदर अगर आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो यू टॉक टू समवन एल्डर, लाइक अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, आपके सिबलिंग्स हैं उनसे शेयर करिए, वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में जरूर हेल्प कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज आई वुड से, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको जब आप कुछ अच्छा करेंगे ना, चाहे स्टडीज में करेंगे या किसी को करिकुलर एक्टिविटी में करेंगे, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. तो ये सब फीलिंग्स थोड़ी कम आएंगी उस टाइम पे. जो बच्चे पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक चीज मुझे बोलनी है कि जो आपका रिविजन है ना, वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि आप एग्जाम देने के 7 से 10 दिन पहले यू आर एबल टू रिवाइज ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिवाइज लाइक अ सब्जेक्ट लाइक मेनली 5 to 6 times मेरा रिविजन रहता था एक सब्जेक्ट का. सो ये मैंने 5 months की प्रिपरेशन है उसमें आई वॉज एबल टू रिवाइज ईच सब्जेक्ट 5 or 6 times एंड टुवर्ड्स द एंड मैंने 1 week में 19 सब्जेक्ट्स का रिविजन किया है. सो ये जो स्ट्रेटेजी होती है कि लास्ट वीक में लास्ट 10 days में 19 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने की, बहुत हेल्प करती है बिकॉज वो चीज आपकी इमीडिएट मेमोरी में रहेगी, तो एग्जाम में आपको जो मेमोरी रिलेटेड डाउट्स हैं वो नहीं आ सकते हैं. एंड एक चीज और आई वुड लाइक टू से कि क्या मैं इम्प्रूव करना चाहूंगी अपनी प्रिपरेशन के बारे में. सो इट इज लाइक कि प्रिपरेशन के टाइम में तो आई वुड नॉट से कि मैंने पढ़ाई कम की या कुछ, प्रिपरेशन टाइम में आई वुड नॉट से कि मैं कुछ इम्प्रूव करना चाहूंगी, बट जो एग्जाम होता है इट इज 80% ऑफ वॉट यू स्टडी एंड 20% ऑफ वॉट यू डू इन दी एग्जाम. ठीक है, सो अपना माइंड एग्जाम में फोकस रखना है. दैट इज समथिंग आई कुड मे बी इम्प्रूव अपॉन कि हाँ थोड़ा सा और फोकस होता है एग्जाम में तो मे बी कुछ क्वेश्चन और सही हो जाते. सो आई वुड ओनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एग्जाम में जब दे रहे हो तो आपका पूरा ध्यान एग्जाम में होना चाहिए. कोई भी टेक्निकल एरर आता है एग्जाम में, कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, उस सबसे अफेक्ट नहीं होना है. आपको जो एडिशनल टाइम मिल रहा होगा आपको मिलेगा, वही सिचुएशंस हैं जो आपको डिफाइन करेंगी, आपको तोड़ देंगी वहां पे. तो आपको अच्छा करना है अपने लिए, यू डोंट हैव टू बी डिस्टर्ब एंड यू नो जस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. एंड ईच वन ऑफ अस इज केपेबल ऑफ सो मच. मतलब हम एक एंट्रेंस क्लियर कर आते हैं MBBS का, हम ऑलरेडी मतलब काफी अच्छा IQ होता है हम सभी में. तो ये जो एग्जाम होता है PG का क्रैक करना, ये कोई टफ बात नहीं है. एंड लाइक यस वी कैन डू इट, सो ऑल द बेस्ट. जूनियर्स के लिए मेरा यही एडवाइस है, थिंक जूनियर्स को एडवाइस करने वाली मतलब आई नो माई जूनियर्स आर मोर सिंसियर देन मी, सो लाइक बट स्टिल लाइक अपकमिंग नीट और INICT के लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि लाइक पहले नीट आ रहा है तो उसके लिए आई थिंक नीट एक ऐसा एग्जाम है दैट यू नीड टू नो सुपरफिशियली अबाउट एवरीथिंग. सो नीट के लिए यू कैन गो थ्रू द नोट्स, दैट आई वुड सजेस्ट लाइक एक बार नोट्स के थ्रू चले जाना क्योंकि प्रीवियस ईयर का उतना कोई रोल नहीं है नीट में. एंड सेकेंड ऑफ ऑल नीट के बाद एक बार तुम, अच्छी बात यह है कि INICT नीट के बाद आता है क्योंकि लाइक एक बार तुम्हारा सरफेस रीडिंग हो जाएगा, उसके बाद तुम आराम से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स खोलना और उससे रेट्रोग्रेड पढ़ना, तो तुम्हारा सरफेस रीडिंग भी तैयार है, उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर रेट्रोग्रेडली जाके भी तुम नोट से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्टेड टॉपिक्स में नॉलेज भी एनहेंस हो रहा है एंड एट द सेम टाइम तुमको यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग ऑल्सो. सो दैट वे यू कैन स्कोर रियली वेल इन INICT एंड नीट PG में भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो. अभी भी देर आर 100 days लेफ्ट, सो दैट इज वॉट इज माई एडवाइस टू माई जूनियर्स. सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट PG एंड INICT एंड होप
एवरी वन ऑफ यू कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स. सो थैंक यू सो मच मैम आप दोनों को. सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हो. ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.